बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और मज़ेदार सी डिश के साथ हाजिर हैं जो कि बहुत ही मज़े की है, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही जल्दी बनने वाली और बच्चों की पसंदीदा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई कि आज क्या बनाएं, तो आप आज ये बना के देखें कि आज आपने क्या बनाना है। तो ये चावल, ये मैंने चावल उबाल लिए, ये देखें आधा किलो मैंने चावल उबाले, यानी कि दो गिलास ये चावल थे, एक गिलास मैंने मैक्रोनी लिए और एक बाउल मैंने दो पीस मैंने ब्रेस्ट के उबाल दिए थे, चिकन ब्रेस्ट के पीस मैंने उबाल लिए थे, और चार अंडे, गार्लिक है, आधा खीरा है, थोड़े से टमाटर हैं। तो चलें हम शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने उबाल के रख दिए ताकि टाइम के बचत हो जाए। सब कुछ हम लोग साथ उबालते हुए दिखाते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें उबाल के रख दी हैं कि जल्दी से हमारी वीडियो बन जाए। अच्छा, तो सबसे पहले हमने डालना है इसमें थोड़ा सा ऑयल, और फिर हमने इसमें करना है लहसुन को सुरख, हल्का सा गुलाबी करना है, बहुत ज़्यादा सुरख भी नहीं करना। ये वीडियो पूरी गौर से देखनी है कि हमने बाकी चीज़ें कहाँ कहाँ डालनी है और कैसे कैसे डालनी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, थोड़ा सा सोते हुए तो मैं इसमें ना अंडे डाल दूँगी। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितने लोग हों, हम लोग कम लोग हैं, किसी में चार लोग हैं, किसी में चार अंडे उबाले। अगर आप ज़्यादा हों तो आप ज़्यादा अंडे इसके साथ ही ना, एक अंडा कट गया हमारा, कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। नमक डाल देंगे थोड़ा सा, नमक आप अच्छे जायका लें। अंडों को दो से तीन मिनट फ्राई करने के बाद हमने ना इसको निकाल देना, निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसको तो चेंज हो जाएगा फ्राई करने से, मज़ेदार हो जाएगा। लहसुन हमारा सूख हो रहा है, अब हमने इसमें डालना है जो मैंने चिकन उबाल के फ्राई कर लिया, इसके साथ ही हम डालेंगे अपने मैक्रोनी उबली। बहुत मज़ेदार होगा बहुत कम मसालों के साथ। आजकल गर्मी का मौसम है तो कोशिश करें कि कम से कम मसाले इस्तेमाल करें। मैक्रोनी में हमने नमक उबालते वक्त भी डाला था, अब भी थोड़ा सा डाल रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्ची, ये हम डालेंगे डेढ़ टीस्पून। ये दो से तीन मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए, मैक्रोनी का भी। अब हम इसमें डालेंगे चावल, ये देखें चावल कितने खिले खिले से हैं। इसको मिक्स कर लिया हमने अच्छे से, अब हम चावलों को रख देंगे दम पे, सही है।
इनको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम रखेंगे दम पे, और इसके ऊपर हम रख देंगे अंडे। जो बाकी की चीज़ें हैं वो आपने देखते रहना है कि हमने कब डालनी है। जो अंडा हमारा टूट गया था वो भी हमने रख लिया, अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। अच्छा, चावलों को हमारे दम लग गए, ये देखें कितने मज़े का दम लगा है। अब हम इसको ना सर्व करेंगे। अच्छा, जो हमने टमाटर और खीरे काटे थे वो हमने बिल्कुल एंड पे हमने डालने हैं। थोड़ी सी ये जो चावल हम लोग डालेंगे ना बाप के साथ ही, ये हल्के से नरम हो जाएंगे और बहुत मज़े के लगेंगे। इसको बस एक दो मिनट हमें कवर करके रखेंगे, फिर हम लोग सर्व करते हैं चावलों को। अच्छा, दो मिनट हो गए हैं इसको कवर किए हुए, चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, उसी के बाद में ये गर्म हो गए। अब ये जब हम चावल सर्व करेंगे ना ये खुद ही इसके साथ आ जाएंगे। देखिए मिक्स होते लीजिए, हमारी मज़ेदार सी डिश तैयार है। यकीन करें इतने मज़े की है ये ना कि देख के ही दिल चाह रहा है कि जल्दी जल्दी से हम खा लें। बहुत ही मज़े की है, लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। तो दुआओं में याद रखना, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।